एक्सप्लोर करने के लिए. बहुत दिनों से रेसिपीज बना बना के बहुत ज़्यादा ऐसे बोर हो गए थे, तो आज हमने प्लान किया कि आज हम थोड़ा आउटडोर शूट कर लेते हैं. इसलिए आज हम निकले हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और लेट्स सी कैसा होता है एक्सपीरियंस. वैसे यहाँ से कितनी दूर है हारून? यहाँ से लगभग कोई 3-4 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस तो मेरे को भी नहीं पता, बट मतलब एग्जैक्ट लगा लो 3-4 किलोमीटर होगा. तो मैंने सुना वैसे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है वो जगह चाय के लिए, चाय और मतलब चाय लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एक्चुअली खुद मैं एक चाय लवर हूँ, तो मैं तो कह ही सकता हूँ कि मेरे को तो बहुत पसंद है वो जगह. तो देखते हैं आज कितना मज़ा आएगा वहाँ पे, चलो चलते हैं साथ. नियर बाय ये है, ये बेसिकली चाय लवर्स के लिए ज़्यादा फेमस है. तो प्लीज़ आप लोग आए, यहाँ पे सबवे भी है, नहीं है ग्रिल इन है, जनता फ्रूट आइसक्रीम है, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर. ये है वो जगह चाय सुट्टा बार. सी सिटिंग काफ़ी अच्छी है, व्यू काफ़ी अच्छा है. द एग्जैक्ट पॉइंट, लेट्स गो. आजा. और ये हमारी मलिका शर्माते हुए आ रही हैं. चलो लेट्स गो. सो यस, ये आज जहाँ हम आए हैं चाय सुट्टा बार, एंड ये यहाँ के भैया हैं जो यहाँ पे स्पेशली चाय बनाते हैं. और ये यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग चाय पीने के लिए ही आते हैं और चाय को इंजॉय करने के लिए आते हैं. सो चलो आज भैया से ही पूछते हैं कि यहाँ पे इनके किस किस तरह की चाय बनती है. तो सबसे पहले आज हम जानेंगे चाय के बारे में, यहाँ किस किस टाइप की चाय मिलती है. तो भैया का जब आपका नाम बता दो आप अपना. भैया मेरा नाम विक्रमजीत है. विक्रमजीत है भैया का नाम. तो भैया आज हमें बताएंगे कि वो किस किस टाइप की चाय देते हैं यहाँ पे. नॉर यूजुअली आप घर में चाय पी लेते हो इलायची अदरक वाली, उससे ज़्यादा क्या क्या मिलता है? हमारे पास जो चाय है आप अदरक वाली और इलायची वाली घर पे पीते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको टेस्ट मिलेगा वो डिफरेंट होगा. बाकी वाली भी फ्लेवर वाली चाय पत्ती वाली है सारी, कोई लिक्विड वाली चीज़ नहीं है इसमें, सब फ्लेवर वाली है. जैसे अदरक आप घर पे पियोगे तो यहाँ पे पियोगे उसका टेस्ट अलग आएगा. हमारी चाय सब कुल्हड़ में यूज़ होती है. यहाँ की बेसिकली इनकी स्पेशलिटी है कि ये चाय भी देते हैं कुल्हड़ में, डिस्पोजेबल है ना. ठीक है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है. तो आपको यहाँ पे मिलेगी, आप अलग जगह भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगी वो अलग होगी. अच्छा, सबसे डिफरेंट मिलेगी, यहाँ का टेस्ट अलग होगा, बाहर का अलग होगा. प्लस आपको इनके पास कॉम्बो ऑफर्स भी मिल जाएंगे. जैसे आप कोई दो कपल्स आते हैं यहाँ पे चाय के लिए, तो उनके लिए कॉम्बो ऑफर्स मिल जाएगा. मस्का बन, ये मुंबई की स्पेशल आइटम है, मस्का बन प्लस जो ये टी है
दो चाय और दो मस्काबन भी मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, और प्राइस भी इनके रीजनेबल प्राइजेज हैं जो आप देख सकते हो साइड पे दिए हैं, तो बाकी काफ़ी अच्छा है। तो आप ऑर्डर करेंगे और इसके बाद आपको रिव्यू बताएंगे हम चाय का कि कैसी है चाय यहाँ की। भैया आपकी चाय का प्राइस कितने से शुरू है? ठीक है, तो इनके जो रेट्स हैं वो नॉमिनल चार्जेस हैं, ज़्यादा कोई हाई फाई चार्जेस नहीं है। चॉकलेट चाय इनकी 10 रुपीज़, अदरक चाय 10 रुपीज़ एंड सो ऑन। सी तो चलो अब चाय ऑर्डर करते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं। यस, हमारी चाय आ गई है। ये कौन सी है? ये है केसर। दिस वन? ये पान और ये चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट चाय। पहले केसर ट्राई करेंगे। मास्टर शेफ के लिए नहीं आपको वो किया जा रहा है। पान ट्राई करते हैं। दिख तो सब एक जैसी रही हैं। टेस्ट में अलग है, टेस्ट अलग है, सीने का टेस्ट अलग और मतलब फ्लेवर, खुशबू, खुशबू भी अलग है। ऊपर से कूलर में है तो ज़्यादा अच्छी है, कूलर की चाय का मज़ा। तो अब तुम तीनों पीने वाले हो? नहीं, मैं तो एक पी लूँगा, आप देख लो आप मुझे दो। ओके चलो हम भी ट्राई करते हैं। ट्राई करें पान वाली। हारून जी और ये हारून के दोनों कप चाय खत्म होते हुए नो! और मेरा भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। एंड इट्स यम। सो हमारी सारी चाय खत्म हो चुकी है और सी भैया पहले आप अपना नाम बता दो। आयुष। तो भैया कहाँ से आया? पठानकोट गुजरात से। गुजरात से चाय के लिए। चाय की अच्छा, मतलब आपके यहाँ की चाय अच्छी है। तो अभी तक आपने कौन कौन सी चाय ट्राई की है यहाँ पे? सभी ट्राई करती है, मतलब काफ़ी टाइम से आ रहा है। काफ़ी टाइम से फेवरेट चाय कौन सी है यहाँ? पाँच पाँच चाय फेवरेट है। और खाने में? खाने में फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। सो भैया आपका एट लास्ट लोगों से क्या बोलना रहेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं अपने कैफ़े के बारे में? हम सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आते हैं तो उनको ना ये चीज़, हमारे पास कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं है। पहली बात कस्टमर आते हैं बोले टाइम बड़ा लगता है, टाइम के चक्कर में वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। लेकिन जो बंदा बैठता है, टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे, वेट करता है, उस बंदे को अगर चीज़ अच्छी मिलती है तो वेट करने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पे रेडीमेड कुछ नहीं रखते। जब ऑर्डर आएगा तभी वो चीज़ बनाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट सबसे अलग होता है। जो चीज़ उसी टाइम रेडी करेंगे उस चीज़ का टेस्ट अलग होता है। तो हमारे पास रेडीमेड नहीं होता, हम टाइम लगाते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनका। लेकिन उनको ये है कि उनको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, अगर वो वेट करेंगे तो उनको अच्छी चीज़ मिलेगी। जल्दबाजी में जो चीज़ बनती है वो अच्छी मिलती है। कुछ आते हैं जल्दी जल्दी अभी करो तो वो सही नहीं है। कस्टमर को थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी आओ आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बैठने की जगह है, हाईवे पे है, पार्किंग भी है, सब कुछ है, चीज़ अच्छी मिलेगी। एक बार आओगे बार बार आओगे। कैफे ये चाय सुता बार फ्रेंचाइजी है इंदौर की। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, यहाँ के जो ऑनर है वो युवराज सिंह जी हैं। तो बाकी सब कुछ आपने पी है चाय, आपको लगे टेस्ट। बाकी भी हमारे पास सैंडविच वगैरह हैं, शेक्स हैं, बर्गर है, या मेनू कार्ड देख सकते हो हमारा, पिज़्ज़ा है। एक बार ट्राई करोगे तो आपको सब टेस्ट मिलेगा, हर एक चीज़ का अलग। भैया दूसरी चीज़ ये कि आपकी टाइमिंग क्या होती है, मतलब सुबह कितने बजे से लेके रात को? सुबह 10 और रात को 10, 10 टू 10, 10 टू 10, 10 पीएम। ओके
आज हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे बात करके भैया से ऐसा लगा कि वो ये बोल रहे हैं कि लोगों को ज़्यादातर यहाँ ये शिकायत है कि यहाँ पे टाइम बहुत लगता है चाय बनाने में, इनका जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। बट एक्चुअली देखा जाए चाय बनने में टाइम तो लगेगा ही, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी चाहिए, हेल्दी चाहिए और टेस्टी चाहिए तो उसमें तो टाइम लगता है। तो अपना टाइम निकाल के यहाँ आएँ एंड प्लीज़ बी पोलाइट विद द स्टाफ, क्योंकि ज़्यादातर भैया लोग का यही था यहाँ पे कि हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर आता है तो उनका एक ही इशू होता है कि उनके पास टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सो प्लीज़ ऐसा मत करें, आए यहाँ टाइम निकाल के आए सो दैट इनको भी आपको सर्व करते हुए खुशी हो और आप तो बिल्कुल खुश होके जाएं ही जाएं। ओके सो यही था हमारा आज का व्लॉग, और अब मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के पार्ट सेकंड में हम डालेंगे मैगी पॉइंट का रिव्यू। एंड यस, ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इन्जॉय करें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनी थिंग यू वॉन्ट, और आपको भी लगेगा कि यस हमने एक अच्छी चीज़, अच्छी जगह आपको एक्सप्लोर करवाई है, अच्छी जगह से हमने आपको मिलवाया है। भैया हैं अजय भैया, उनसे बात करते हैं, उनका क्या बोलना है इस कैफ़े के बारे में। भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? तीन चार महीने हो गया। 3-4 महीने? ओके, तो क्या यहाँ के जो कस्टमर्स आते हैं आपके पास, क्या रिव्यू होता है वहाँ यहाँ पे आके उनका? अच्छा लगता है मैम, चाय शाय मिलती है यहाँ पे, और बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, और जो मांगते हैं मिलते हैं। ओके, मतलब ओवरऑल अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा है, मतलब इन्जॉय करने के लिए, अगर फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, कपल्स आएँ, सबके लिए है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों का आना नहीं है यहाँ पे या कुछ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब आ सकते हैं, पूरी फैमिली आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, वेलकम मैम। ओके, यो चाय सुनवार, आप आ सकते हो सारे, ओके थैंक यू। सो ये था आज का रिव्यू हमारा।